गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे आप सभी को। आज है संडे और संडे स्पेशल में मैं आप सबके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी, सत्तू का पराठा रेसिपी। दोस्तों, सत्तू का पराठा बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट और फायदेमंद होता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आटा, थोड़ा सा आटा, गेहूं का आटा, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से गूंथ कर हम रख लेंगे। और ध्यान रखें कि पराठा बनाने से करीब एक घंटा पहले आटा गूंथ के रख लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेसिपी और आसानी से बनेगी। उसके बाद हम बनाएंगे टमाटर की चटनी, तब तक आटा हमारा बनता रहेगा। और टमाटर चटनी नॉर्मल से ऐसे हम सब बनाते हैं वैसे बनाना है। और उसके बाद हम तैयार करेंगे सत्तू, मतलब जो भरावन है सत्तू का पराठे का, उसे हम तैयार करेंगे। उसके लिए हमको चाहिए अजवाइन, मगरैल, थोड़ा सा खटाई मसाला है और ये एक आम का अचार है, और थोड़ा सा लहसुन, प्याज, हरा मिर्चा, अदरक मैंने बारीक बारीक कट कर लिया, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा सरसों का तेल। और दोस्तों, ये हमारे पास चना रखा हुआ है भुना हुआ, और जितने भी मटेरियल है हम सब इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्सर में मतलब पीस लेंगे। क्योंकि मेरे पास सत्तू चने का नहीं है तो मेरे पास चना रखा हुआ था और मेरा सत्तू बनाने का बहुत मन हो रहा था पराठा, तो मैंने ये अपने हिसाब से नया प्रयोग किया हुआ है। बट आप लोग ऐसा ना करिएगा, थोड़ा सा चने को मिक्सर में पीसना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, तो आप लोग चने का सत्तू का ही यूज कीजिएगा। तो हमने इस थोड़ा सा इसमें नींबू का रस भी ऐड करना है। असल में मुझे पराठे बनाना था तो मैंने रिस्क ले लिया, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से मतलब पहले चने को भून कर आप पीस लेंगे, उसके बाद इन सब मटेरियल को ऐड कीजिएगा। तो इस तरह से हमने इसका पूरा मटेरियल तैयार कर लिया है और उसमें हमने लास्ट में थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया है, जिससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट पराठा बन गया था। तो कुछ इस तरह से हमारा भरावन तैयार हो गया है। थोड़ा सा दरदरा था लेकिन सच बताएं मुझे लगा कि पराठा बेकार हो जाएगा, लेकिन जब पराठा बन गया था तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्योंकि जब बहुत बारीक पाउडर होता है तो थोड़ा सा मतलब खाने में अटकता है, बट ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार पराठा बन गया था। मैंने रिस्क लिया बट अच्छा हो गया था, थोड़ा सा दरदरा बन गया था। और जब एक घंटे पहले आप आटा गूंथ के रख देते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आटा सेट हो जाता है, तो चाहे जब जैसे बनाओ तो ये मतलब पराठा फूटता बिल्कुल नहीं है, फटता नहीं है। कोई भी पराठा आप बनाएं तो उसे करीब एक घंटे या डेढ़ घंटे तक आटा आप रख देते हैं लगाकर, और ऊपर सरसों का तेल लगा के रख देते हैं, तो बिल्कुल भी आटा बहुत ही अच्छे पराठे बनते हैं। चाहे आप पराठा गोभी का बनाएं, आलू का, चाहे जैसे भी। तो फिलहाल हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और यकीन मानिए इतना स्वादिष्ट बना था। आप इसमें आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसके साथ भी हमने बनाया हुआ है दही की चटनी, और दही की चटनी अगर आप लोगों को बनानी है तो आप इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मैंने इसकी रेसिपी नहीं शेयर की क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। तो फिलहाल तो दोस्तों इस तरह से हमारे सत्तू का पराठा बनकर तैयार हो गया है। और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत स्वादिष्ट पराठा बना हुआ था। और ये दही की चटनी है, ये टमाटर चटनी है, और ये थोड़ा सा लच्छा प्याज हमने बनाया हुआ है हरी मिर्ची के साथ, हमने इसको सर्व किया है। और लच्छा पराठा का रेसिपी मैं आप लोगों के लिए बाद में शेयर करूँगी, बहुत स्वादिष्ट मैं बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है। तो कुछ इस तरह से ये बना है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।